अच्छा स्क्रीन शेयर हो गई है, शो हो रही है ना? यस सर। ये क्वेश्चन नंबर यस सर। पार्ट का कौन सा पार्ट कर रहे थे हम? क्वेश्चन फोर का पार्ट फिफ्थ करना है आज हाँ मेरे थर्ड ख्याल किया से। था, थर्ड कर लिया था ना कंप्लीट? सेकंड सर किया क्वेश्चन फोर करना, फोर करना है आज। क्वेश्चन नंबर फोर करना है, सही हो गया। यस क्वेश्चन नंबर फोर, हाँ क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट किया था उसका ना, सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट कर किया था। दिया था, हाँ, सेकंड पार्ट कर लिया फिफ्थ था करना है हमने। आज। यस सर कर लिया था। हाँ वो जो हमने नोट पैड के पे किया था। अब नेक्स्ट कौन सा करना है, इसका फिफ्थ पार्ट? यस यस सर। सर। सही हो गया। अच्छा कल वाला मेथड इजी था या ये वाला मेथड इजी है? तो जो आपको अच्छा लगता है वो करवा नहीं दें। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, मुझे कोई बता नहीं, मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। आप पे डिपेंड करता है जो आपको, मतलब इसमें बाय पार्ट्स फॉर, ये सवाल इस तरह के हर एक सवाल में मतलब बाय पार्ट्स फार्मूला लग जाना है, बाय पार्ट्स फार्मूला लगने के बाद सॉल्व हो जाएगा सारा जी सवाल। जी आपकी खुशी हमारी खुशी है। क्या बात है, क्या बात। ओ उसने लिख दिया है इधर, सेम बच्चा यार, यही क्वेश्चन है ना? सर, बच्चा नया है, इसको समझ नहीं लग रही, इसको बता दें। कौन सा? ये फरीद खान का मैसेज आया अभी। ये फरीद खान, ये कौन है? सर वो जो आप जहाँ पे आपका स्कूल है उस गांव से आता है। अच्छा, अभी तो समझाया कुछ नहीं, तो समझाना क्या है? इसको मैसेज आया है। वही ना, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं, तो समझाना क्या उसको। अच्छा अभी बिस्मिल्लाह करते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर फाइव है ना? यस सर। हाँ क्वेश्चन नंबर फाइव है, ये स्टेटमेंट मुझे लिखवा देगा अली। बिस्मिल्लाह करते हैं हम नोट पैड पे। चलें जी, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, फोर इंटू डीएक्स। ठीक है। अब उस वाले मेथड से करके देखते हैं, हमारे पास जो ये मेथड करता है ना प्रूव, ये मेथड करता है, इसमें करता है हमारे पास, इसमें ये मेथड यूज करता है, इसको रख लेता है फर्स्ट फंक्शन और इसके साथ वन आ रहा है उसको रख लेता है सेकंड फंक्शन। तो ये देखें, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास आ जाएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा अली? यस सर। क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, जल्दी जल्दी, इतनी देर। अंडर रूट में जो भी आता है आपको बताया था, वो 1/2 अंडर रूट में बन जाएगा, और साथ अंडर रूट के बगैर वाले का डेरिवेटिव वो बन जाएगा 2x dx। ये बन गया हमारे पास x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस, अब ये देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मैसेज क्या किया किसी ने? फरीद खान को आवाज नहीं आ रही, तो उसके मैसेज आ रहे हैं। नहीं सैयद अली का है सर जी, कोई ख्याल रखो, ठीक हो गया। अच्छा भी ये देखें, टू टू से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बन गया एक्स स्क्वायर, ऊपर बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर
नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स, क्योंकि ये एक्स और ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखें हमने एक फार्मूला इस तरह का पढ़ा हुआ है, इस तरह का फार्मूला हमने एक डिस्कस किया हुआ है लास्ट एक क्वेश्चन में हमने किया था कि जब अंडर रूट वाली टर्म आ रही हो ऊपर पावर वही हो नीचे भी पावर वही हो तो हम क्या करते हैं इस स्टेप में, वन प्लस वन माइनस। नहीं इधर क्या है, इधर फोर है, इधर टू का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे फिर इधर टू के स्क्वायर फोर ही ऐड करेंगे, फोर ही ऐड करेंगे और फोर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगी हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर ओवर अंडर रूट ये वाला। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने क्या करना है इसको इंटीग्रेशन की अलग अलग कर देनी है, पहले वाला पोर्शन एज इट इज आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब ये देखें इधर बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स माइनस माइनस, और ये वाला माइनस क्या कर देगा इसको प्लस फोर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। ठीक हो गया भी यहां तक, यस सर। हाँ जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास वही स्टेप एज इट इज चलता जाएगा। अब ये देखें ये कैंसिल होके नीचे ऊपर पावर कितनी बन जाएगी इसकी, ऊपर पावर बन जाएगी इसकी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स प्लस, अब फोर तो हमारे पास कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर नीचे हमारे पास देखें, अब इधर हसन जो बता रहे थे आप एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, ये किसकी इंटीग्रेशन होती है। वस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक भाई, डिस्टर्ब ना करो लेक्चर। और तू चुप करो, मैंने सर ने खबालता दे अपने, मैंने सुधाई करता। अच्छा अभी यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ये सर हो गया तो क्लियर, आगे चले। अच्छा अभी नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये मैंने उल्टी पकड़ी है, ये देखें भी नेक्स्ट आ गया हमारे पास इधर आ जाएगा एज एन वही ऊपर वाला जो पोर्शन आ रहा था माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है सॉल्व, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे सॉल्व होगी इस पोर्शन की, इसको आई लिख लेंगे फिर। शाबाश, इसको आई लिख लेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गया दोबारा वही पोर्शन जो हमारे पास शुरू में था इनिशियल में था। ये जवाब किसने दिया मुझे नाम शो नहीं हुआ। यस सर, ये आ गया हमारे पास आई जी, मैंने दी है, नहीं तुम्हारी आवाज पे जानता हूं मैं फोर। अब ये देखें ये किसका डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का, किसका ये इनवर्स होता है ये वाला साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। और ये उसने ना ये देखो ये उसने क्वेश्चन में इधर मेंशन किया हुआ है इधर ना, जब ये वाली स्क्रीन देखते हैं ना ये वाली स्क्रीन में हमारे पास उसने इधर मेंशन किया हुआ है कि ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस फोर को जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर का अंडर रूट। ये है क्वेश्चन नंबर 3.3 का आठवां क्वेश्चन, किया था उसमें
नजर आ रहा है? यस सर। ये हमने किया था, आप देखो 3.3 का जो आठवां क्वेश्चन था ना, उसमें पहला ये देखा था। हाँ वही ये सर देख रहा हूँ उधर। हाँ इधर इसकी जगह आ रहा था 4 की जगह 2 आ रहा था, ए का स्क्वायर। यस सर ए का स्क्वायर था, तो उसका डायरेक्ट जवाब हम लिख सकते हैं अगर हमें ये याद हो। बाज को ये ऐसे प्रूफ भी दे देता है, ये इसके एमसीक्यूज भी पूछ लेते हैं इसका डायरेक्ट। तो ये पोर्शन हमने उसमें पुट कर देना है, उसमें पुट करने के बाद ये हमारे पास जो आई है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, 2i, i प्लस i हो जाएगा। ये एंड पे इधर मैं पोर्शन एक लिख देता हूँ, इधर हमारे पास बनेगा i, ये वाला i दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, i प्लस हो गया। और ये वाला पोर्शन जो चलता आ रहा था x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4, आज मेरा कीबोर्ड तंग कर रहा है। ये माउस से लिखते हैं आप? हाँ माउस से लिखते हैं आप? नहीं 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 माउस से नहीं लिख रहा आज ना, मेरे पास वो है वैकम है छोटी, पहले मेरे पास थी बड़े भाई की ना बड़ी वैकम थी, अब ये है तकरीबन एक छोटी जैसे टैबलेट नहीं होता जी उतनी की वैकम है मेरे पास, पहले थी तकरीबन जितना लैपटॉप, लैपटॉप से डबल थी वो बड़ा, उस पर जितना मर्जी जिधर मर्जी को मैं लिखा जाता है, ये छोटी है इसमें ना अभी प्रैक्टिस नहीं है। वैसे मैंने सीखी तो थी भाई से थोड़ी बहुत डिजाइनिंग है ना शुरू में स्टार्टिंग में, लेकिन अब मुझे भी थोड़ी बहुत इसकी समझ नहीं आ रही। 4 और इधर इसका बन जाएगा हमारे पास log वही जो पोर्शन लिखा हुआ था x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये एट द एंड जब हमारे पास इधर देखें ये वाला जो पोर्शन था ये बन जाएगा 2i, ये 2i बन जाएगा, i हमारे पास वही यही रहेगा, और ये दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा 1 ओवर 2 हो जाएगा, और इधर से हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा उसका। क्लियर है इधर तक? अली यस सर इधर ही मैं। हाँ हाँ क्लियर आने का। यस सर मैं भी क्लियर कर दूँ। ये आपका कलर नजर ही नहीं आ रहा, येलो वाला कलर नजर नहीं आ रहा है, गंदा सा कलर ही है बस। ये मैंने कहा ये दोनों स्पेस क्या बन जाएगी, ये हमारे पास i प्लस i 2i और i इधर ही रहेगा और 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर 2 बन जाएगा ये, और साथ ये सारे का सारा पोर्शन जो ऊपर आ रहे हैं ना वो सारे का सारा पोर्शन इधर लिख देंगे हम इसकी जगह। ठीक हो गया? यस सर। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट कौन सा है अपना उमर? सही हो गया। 6 पार्ट भी इसी तरह का ही नहीं है, देख लेते हैं अभी। नो सर वो एक्स स्क्वायर डिफरेंट है। ये हमने पहले किया हुआ है, हमने एक उसमें किया हुआ था, इसमें पीछे वाले एक दो क्वेश्चन में आया था, टू का क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। यस हां उसमें क्वेश्चन नंबर 2 ये कर लोगे? ये कर दो, कर दें सर जी, कर दें, कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे सर। दिखा देना एक दफा स्क्रीन जी। हां स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यार इसका कोई तरीका कार है बड़ा करने का इसको रेजर, ये बहुत टाइम लगाते हैं। अच्छा अभी अली लिखवाना क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन।
एक मिनट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ए की पावर एक्स एक्स स्क्वायर साथ यही है डी एक्स बस ओके हो गया। अच्छा भी वही आईलेट वाला आईलेट सी वाला फॉर्मूला अच्छा भी ये देखिए हमारे पास इसमें पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रही है अलजेब्रिक अलजेब्रिक पहले आ रहा है इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे इसको सेकंड फंक्शन ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन कौन बताएगा ई की पावर ए एक्स की वन ओवर ए माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ओवर ए और साथ एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे वो क्या बनेगा टू एक्स स्क्वायर सॉरी टू एक्स स्क्वायर नहीं आएगा इधर ठीक हो गया फिर हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए ई की पावर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस अब कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएगी टू ओवर ए इंटीग्रेशन हमने किसकी लेनी है e की पावर ए एक्स और साथ आ जाएगा इसके x अब इस पे फिर वही बाई पार्ट्स फार्मूला ये फर्स्ट फंक्शन ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन अब ये हमारे पास एज इट इज वही फंक्शन माइनस टू ओवर a अब ये देखें इस पे जब ये आ गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स ओवर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया वन आ गया डी एक्स अब ये दोनों पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा ये वाला पोर्शन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए e की पावर ए एक्स माइनस टू ओवर ए स्क्वायर x e की पावर ए एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू ए की पावर टू इंटीग्रेशन जब इसकी लेंगे e की पावर ए एक्स की वो आ जाएगी हमारे पास e की पावर ए एक्स ओवर a प्लस c क्लियर हो गया ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट था यस सर तो फाइव पार्ट करें हम फाइव क्वेश्चन ये क्लियर हो गया ओके हो गया ओके यस अब फाइव पार्ट कर लेते हैं फाइव पार्ट क्वेश्चन नंबर फाइव करने हैं अब हाँ हाँ क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव का कौन सा करना है पहला पार्ट पहले छह इकट्ठे करने एक साथ करने पहले छह वन टू सिक्स अच्छा इसका ना एक हाँ हाँ ठीक हो गया कर लेते हैं उससे पहले ये देखें ये फॉर्मूले हमारे पास ना इसका एक फॉर्मूला आता है हमारे पास इसमें ये फॉर्मूला लगना है हमारे पास कहता है डेरिवेटिव जब होगा हमारे पास e की पावर ए एक्स और साथ कोई भी फंक्शन हो ना उस पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया पहले इस पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरीवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट वाले का डेरीवेटिव तो ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स इन दोनों में से मतलब e की पावर ए एक्स कॉमन ले लेते हैं अब ये वाला जो पोर्शन है ना अगर ये सिचुएशन बनती होगी अब इसकी जब इंटीग्रेशन लेनी है ना तो वो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा वो फंक्शन और साथ e की पावर ए एक्स हमने यही पढ़ा है डेरिवेटिव जिसका लेते हैं वो इंटीग्रेशन वो जो डेरिवेटिव का आंसर आता है उसकी जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो दोबारा क्या बनता है डेरिवेटिव अब ये देखें अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया ये डेरिवेटिव कैंसिल हो गया इससे अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बन गई ये वाला और ये भी साथ इसके कैंसिल हो गया इसकी इसमें ये देखना है कि e की पावर में कोई भी अगर a आ रहा है ना फंक्शन वो इस f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो और उस f ऑफ x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हमने उसको डायरेक्ट यही लिख देना है e की पावर ए एक्स और साथ फंक्शन मतलब देखना ही नहीं हमने और कोई फार्मूला नहीं देखना इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स जो ए इधर होगा वही ए एफ ऑफ एक्स के साथ उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो हमने डायरेक्ट उसको लिख देना ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी अब ये देखें ये क्वेश्चन में हम करते हैं
इसके पार्ट्स पहला पार्ट ही है इसमें ये पहले से एक साल पार्ट है बाकी सिक्स से आगे कोई भी नहीं है सही होगा पहले छह पार्ट है यस सर चलें बिस्मिल्लाह करते हैं ये क्वेश्चन आ गया अब ये देखिए इस क्वेश्चन में वो वाली सिचुएशन हमने देखनी है जो हमने ऊपर बनाई ना ऊपर क्या थी सिचुएशन e की पावर ए एक्स आगे क्या था ए एफ ऑफ एक्स और साथ प्लस उसका डेरिवेटिव यही था इसको हम लिखते हैं e की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स ठीक है अब इस सिचुएशन में देखना है अब ये देखें अब ये पूरा का पूरा सवाल लेट्स सपोज यही है अब ये देखें अब e की पावर ए एक्स जो है इधर उसकी जगह वन आ गया ठीक हो गया तो अब ये देखें इनमें से फंक्शन कौन सा बनेगा log x फंक्शन हो गया और ये उसका क्या होता है डेरिवेटिव इसको तरतीब से लिख लेते हैं हम इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं log x प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू आंसर क्या आएगा अब ये देखें e की पावर a a की जगह इधर क्या आ रहा है वन इधर भी क्या आ गया वन इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो हमने इस फंक्शन को क्या लिख दिया e की पावर x log of x क्लियर हुआ ये फार्मूला यूज करना है हमने इन सभी क्वेश्चंस में बस उनकी अरेंजमेंट हमने बनानी है हमने देखना है फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे मौजूद है अगर तो ये समय लग गया हमें तो हमने मतलब फौरन उसका मतलब डायरेक्ट जो आप क्या लिख देना e की पावर जो भी होगी और साथ log of x तो क्लियर हो गया ये यस सर यस सर अच्छा वो नहीं आ रहे दो लड़के क्या नाम है उनका शुएब और हैदर फियाज वो जो जिनकी जोड़ी थी यस सर वो नहीं हुज़ैफ़ा था मेरे ख्याल में या यस सर उसके उसके वालिद साहब से बात करें आप चले पूछते हैं उनसे अच्छा ये देखो ये उसने भी उसी तरह की है ये फार्मूला लगा दिया उसने और इधर क्या लिख दिया उसने log x इधर 1 है तो इधर भी 1 है उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो डायरेक्ट हमने उसको क्या लिख देना e की पावर x log x plus c अब इसका सेकंड पार्ट देखें अब e की पावर x अब cos का अगर डेरिवेटिव देखते हैं तो इधर माइनस साइन होना चाहिए था ठीक है ना तो हमने क्या किया हमने इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे कर ली साइन पहले लिख लिया cos बाद में क्योंकि साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो डायरेक्ट हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा e की पावर x साइन ऑफ x प्लस c ये सवाल बहुत आसान भी है और आते भी हैं पेपर में एक आध सवाल ये लाजमी आना है पेपर में इनमें से अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया थर्ड ये क्लियर है यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में भी वही काम किया है उन्होंने थर्ड में भी हमारे पास आ गया ये देखें ये आ गया e की पावर x अब उसने खुद ही मेंशन कर दिया उसी तरतीब से दिया है उसने सवाल a जो आ रहा है वो इसके साथ आ रहा है सेकंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है यही होता है तो हमने कोई बात नहीं देखनी हमने डायरेक्ट ये फार्मूला लिख के डायरेक्ट आंसर लिख देना e की पावर ए एक्स साइन इनवर्स ऑफ x उसने पहले ही वो तरतीब बना के दी है e की पावर ए एक्स आगे ए एफ ऑफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव ये उसने पहले ही बना के दिया हुआ है हमें क्लियर हो गया नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फोर
क्वेश्चन नंबर फोर में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर में थोड़ा सा हमने कंसंट्रेशन करनी है. अच्छा भी ये देखें, अब e की पावर 3x है, इसका मतलब हमें पता लग गया उस फंक्शन के साथ क्या होना चाहिए, 3. ये हसन चल रहा क्या था पहले? ये ऐसा ही इसने करता है ये. अब ये देखें भी हमारे पास, हमने देखा कि फार्मूले के मुताबिक अगर इधर जो भी पावर में आ रहा है, अगर 3 आ रहा है तो वो हमारे पास उधर दूसरी तरफ भी होना चाहिए. हमने क्या किया, इनका एलसीएम अलग अलग कर लिया. ये साइन इनके नीचे भी लगा दिया, साइन इनके भी नीचे भी लगा दिया. साइन एक साइन कट गया, इधर से क्या बन गया हमारे पास, कोज ओवर साइन. ये बन जाएगा एक कोज ओवर साइन. और दूसरा बन जाएगा वन ओवर साइन. कोज ओवर साइन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गया कोट. और अकेला वन ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंट. और इधर से वन ओवर साइन क्या बन जाएगा, कोसेकेंट. अब ये देखें, ये ई की पावर ए एक्स ए 3 आ रहा है, तो ये 3 आ गया उसके साथ. ये फंक्शन बन गया, उस फंक्शन का आगे देखें डेरिवेटिव मौजूद है, माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स. तो इसका मतलब अगर मौजूद है तो हमने उसको क्या लिख देना, ई की पावर 3x कोसेकेंट ऑफ एक्स. ठीक हो गया. ओए हूँ हाँ कर दिया करो, मुझे हौसला हो जाता है. यस सर. हाँ ये दरमियान में प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे करना है आपको, मैं बता देता हूँ. इधर एक थोड़ा सा मैं ना कर देता हूँ, इसने नहीं किया इधर. इसमें बेसिकली ये करना था, इधर 3 कोसेकेंट एक्स, दरमियान में आना प्लस ही था, इधर लिखना था उसने माइनस सी एस सी. उसने नेक्स्ट ही कर दिया, उसने फार्मूला लगा के वो फार्मूला कन्वर्ट कर दिया. अब नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ लास्ट है ये, अच्छा सिक्स भी है. ठीक हो गया, फाइव और सिक्स. ठीक हो गया, ठीक हो गया. अब ये देखें, इधर से हमें अंदाजा हो गया कि हमने देखना कि जिस फंक्शन के साथ 2 आ रहा है वो 2 किसके साथ आ रहा है, इस फंक्शन के साथ. ये सीधा सीधा ही आ गया सवाल, उसकी अरेंजमेंट आगे पीछे कर ली. कोज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन. इधर क्या बन जाएगा, 2 कोज ऑफ एक्स, दरमियान में प्लस, आगे उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस साइन एक्स. तो इस फंक्शन को हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली, ई की पावर 2x और साथ क्या लिखेंगे, कोज एक्स प्लस सी. ठीक हो गया. अभी आसान ही है ना ये सवाल, बस वो फार्मूला अगर समझ आ गया. यस सर, बहुत आसान है, तो कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए. अब ये रह गया जी हमारे पास जो लास्ट है इसका क्वेश्चन. अच्छा भी ये इसमें इतना ही करना बस. क्या हुआ, आज इतना ही करना बस. चले आज इतना ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं. तो 3 मिनट रह गए. नहीं नहीं, 7 मिनट रहते हैं, 8 मिनट रहते हैं. आपका टाइम खराब है, मेरे पास सामने काउंटडाउन चल रहा है. रिमेनिंग मीटिंग टाइम 7. अच्छा आपकी अगली क्लास तो नहीं शुरू होनी? यस सर, आपका 3 मिनट लेट आया था लिंक. हाँ लिंक लेट आया था, मैं गया था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आया था लेट. खैरियत? हाँ वो कजन के हुआ था बेबी, तो उधर थे. अच्छा अभी ये देखें इस पार्ट को कैसे करना है हमने सॉल्व. अब ये देखें इस पार्ट में ना e की पावर x तो है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं e की पावर x. लेकिन अगर फंक्शन हमारे पास कोई इस तरह का बन रहा है आगे ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी होल का स्क्वायर है इधर स्क्वायर में. ये फंक्शन बन रहा था ना उस ब्रैकेट में, क्योंकि ई की पावर एक्स तो बाहर आ जानी थी, ई की पावर एक्स बाहर आ जानी थी, आगे फंक्शन ये वाला बनना था.
तो हमने उस तरह का फंक्शन बनाने के लिए जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन नंबर 5 में किए थे हमने, उसमें हमने क्या किया, उसमें एक वन ऐड भी कर दिया, वन सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब ये देखें, ये फंक्शन बन गया, इसमें से ये पूरी पावर कैंसिल होके एक पावर रह जाएगी नीचे। अब ये पावर ऊपर जाके क्या बनेगी, बेसिकली ये बन जाएगी वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू। अब ये देखें, ये फंक्शन हो गया, फंक्शन के आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास e की पावर x 1 ओवर 1 प्लस x। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ओके सर, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है ना, इसमें थोड़ा सा काम अपनी तरफ से भी हम करते हैं, ये वाला पंगा लेते हैं अपनी तरफ से। बाकी क्वेश्चन yes, सीधा सीधा फार्मूला लिखा होता है, उस फार्मूले को हम लिख लेते हैं तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाता है। ओके सर, ठीक हो गया। अब क्लास कब, कितने बजे स्टार्ट होनी है आपकी? 3 मिनट रह गए सर। 3 मिनट रह गए, चलो फिर ठीक है। मैं फिर ये पूछना है अगर कोई क्वेश्चन तो पूछ लो। मैं ना आपको आज इंशाल्लाह वीडियो ये शेयर करके कंप्यूटर बंद करूंगा इंशाल्लाह सर जी, इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, नमाज नमूज पढ़ लें। ओके सर, हाँ ओके, फिर अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज सर जी, ख्याल रखिएगा अपना।